हरे कृष्णा, मैं महामंत्र कीर्तन दास आपको दो शब्द आज बताने का प्रयास करता हूँ। वाणी सेवा करने का इच्छा है। हरे कृष्णा, आइए मैं आपको दो शब्द बताता हूँ भक्ति के बारे में। भक्ति क्या चीज़ है? देखिए, इस संसार में लोग कहते हैं कि धनवान हो जाना, गुणवान हो जाना और भाग्यवान हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान का, कृष्णा का भक्त हो जाना, ये संसार का सबसे बड़ी बात है। तो आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि देखिए, ये जो भक्ति है, ये बहुत जन्मों जन्मांतर का एक एक जमा हुआ, एक जो हम लोग का जो क्या बोलते हैं, अकाउंट खाता जो होता है, वही है ये भक्ति। कितने जन्म, कितने बार हम लोग माता के गर्भ में भ्रमण करने के बाद हम लोग को ये एक बार मनुष्य जीवन का अवसर मिलता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, इस मनुष्य जीवन को हम लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में बिता देते हैं। खाने में, सोने में, घर में और मैथुन में, प्रजनन में अपना समय बिता देते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन का जो आयु है कितना है, कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 100 साल। लेकिन देखिए क्या करते हैं मनुष्य, आधा सोने में बिता देते हैं, बचपना खेलने में बिता देते हैं और जवानी का तो बात ही छोड़ो, कहना ही क्या, जवानी क्या करते हैं, इधर उधर में बिता देते हैं। तो देखिए, मनुष्य के लिए बस 10-12 वर्ष बच जाता है, जो कि वो संघर्ष करता है, उसी में वो सब कुछ करता है। लेकिन देखिए, आप एक बार सोचिए, ये जो मनुष्य जीवन हम लोग को मिला है, ये इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, ये जो मनुष्य जीवन एक नाव की तरह है, ये नाव क्या है, नाव को पार लगाना है, समुद्र का पार लगाना है। तो हम को जो एक, ये जो मनुष्य जीवन है, इस नाव की तरह है। मनुष्य जीवन में हम लोग को ये नाव को पार लगा सकते हैं। कैसे? एक वो जो पाव, एक खेवैया खे करके, वो जो नाव, नावी जो खेवता है ना, वो पहिया चलाता है, उसके द्वारा। वो पहिया क्या है, वो भगवान का भक्ति है। जीवन तो मिला है, नाव तो मिला है, चलाएंगे नहीं उसको, गठरी बांध देंगे किले में तो वो नाव चलेगा नहीं। देखिए, लोग चला रहे हैं, भक्ति बोल रहे हैं कि भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं उनको पता नहीं है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ भक्ति के बारे में। भक्ति का जो अंग है, 9 किस्म का है। भगवान बताते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने भाषा में कि सबसे पहला भक्ति है श्रवण। श्रवण क्या है? सबसे बड़ा भक्ति है, जो कि भगवान के बारे में हम लोग सुनते हैं। उसके बाद क्या है भक्ति? कीर्तन, जो कि हम अपने जीवा से भगवान का नाम लेते हैं। तीसरा भक्ति क्या है? अर्चन, जो कि हम भगवान का पूजा करते हैं। चौथा भक्ति है भगवान को, जो हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अर्चन, पांचवा भक्ति है भगवान का पूजा, जो कि भगवान की हम लोग पूजा करते हैं। और साख्यम, जो कि हम भगवान का साथ अपना संग लेना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं साख्य भक्ति। और भगवान का जो दास बनना चाहते हैं, उसको बोलते हैं दास्य भक्ति, जो कि चरण सेवा करते हैं। आत्मनिवेदन, जो कि भगवान को अपना सर्वस्व, जो अपना भगवान को आत्मनिवेदन कर दिया है, अपना जीवन भगवान को दे दिया है, उसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। इसका उदाहरण बहुत बहुत है। जैसे कि दास्य भक्ति का उदाहरण बोला जाए तो हनुमान जी, साख्य का उदाहरण अर्जुन जी, और आपको बलि महाराज एक आत्मनिवेदन भक्ति का उदाहरण है। देखिए, यही भक्ति का अंग है। तो आप सबके चरणों में मेरा निवेदन है कि आप भक्ति कीजिए। ये भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है हम लोग का ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाने का, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देखिए, ये कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये कब तक काम आएगा? ये कोई काम का नहीं है। अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं, प्राप्ति करना चाहते हैं कुछ जीवन से, ये इस जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप भक्ति कीजिए। देखिए, ये देवी देवता का भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तो क्या करेंगे, मेहनत तो होगा बेल बराबर, लेकिन फल मिलेगा सरसों का दाना बराबर। आपसे निवेदन है कि आप भक्ति कीजिए और अपना जीवन को खुशी बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।